गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए होम स्टे के हमारे रूम के बाहर का नज़ारा। यार बारिश हो रही है और मौसम ने हमको दे दिया है धोखा। बट आप लोग धोखा मत देना प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। या आई नो ही टोल्ड मी ब्लैक पेपर हाउस। ओह वाओ। Oh, for us. Yeah. Thank you. I speak a little Chinese. And it's like almost 119 years old. Yeah. I like to go inside old and traditional houses to see how it was made and everything. Yeah, I just love that. Okay. You can see this is old house. This is old house too. There are no men, no people living here. Yeah, no here. People are living no here. People, no people. The people is the hidden. Yeah, I cannot see mountain there. There's a mountain over here. I cannot see it. And that's also Iceland. Something Iceland. Yeah, Kilon Iceland. Kilon Mountain, Kilon Iceland. Wow, this is very beautiful. I don't know if I can capture this in my camera properly, but it is looking very beautiful. Yeah. If you come here at summer. Yeah. यहाँ पे लगभग हर घर के ऊपर ब्लैक पेपर है क्योंकि इनकी वुडन सीलिंग्स हैं और आधा टाइम बारिश होती रहती है यहाँ पे, तो वुड को सेफ रखने के लिए ब्लैक पेपर से इसको कवर कर रखा है। और जब हम यहाँ होम स्टे में एंटर किए थे तो ओनर ने हमको वेलकम किया था ऐसा बोल के कि वेलकम टू ब्लैक पेपर हाउस। तो उस टाइम मुझको समझ नहीं आया था, फिर बाद में उन्होंने समझाया कि ब्लैक पेपर हाउस इसको क्यों बोलते हैं। और इस ब्लैक पेपर का जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जो हम रोड कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ करते हैं ना, एस्फाल्ट से उसको बनाया गया है। अभी 11 बजे ही हैं, आधी दुकानें खुली हैं और आधी बंद हैं। यहाँ पे वही टी, उलोंग टी पीने को बुला रहे हैं आंटी हमको, और ये वही ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जेली, ड्राई फ्रूट्स मतलब वो वाले ड्राई करके असली फ्रूट्स देखने जा रहे हैं अभी। ऐसे बैग पसंद है मेरे को, ये देखो कितना अच्छा है। चलो अभी इसको बंद करो। हम वो दुकान से वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे लेदर था काओ का, और हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एनिमल फ्रेंडली लोग हैं इसलिए हम कुछ नहीं लिया हमने वहाँ से, और हम वापस आ गए। और ये वही दुकानें हैं सोप की, हर्बल सोप एंड कॉस्मेटिक्स। और फिर रास्ते में आते आते एक आंटी की दुकान थी, उसने मेरे को ये गच्चक दे दिए ट्राई करने के लिए सैंपल। ये क्या बन रहा है, ये पता नहीं कुछ बना रहे हैं। और ये है विनेगर, फ्रूट विनेगर मिलता है इधर, थोड़ा सा तो है फ्रूट विनेगर होगा, देखना। फ्राइड फूड। अभी हम वही आमे टी हाउस जा रहे हैं, मैंने उसको बोला था हम दिन में आएंगे, देखते हैं वहाँ पे व्यू अच्छा होगा कि नहीं। वेदर ऑलरेडी खराब हो चुका है, क्लाउडी है, हेजी है, सी भी नहीं दिख रहा है, माउंटेन भी नहीं दिख रहा है जो हम देखने आए थे। तो जहाँ पे हम रह रहे थे उन्होंने हमको बोला है समर में वापस आना, समर में बहुत अच्छा व्यू होता है। फ्रॉम वाइन, वाइन शॉप है ये, वाइन शॉप। शिष्य यहाँ पे सब कुछ आपको ट्राई करने को देते हैं पहले। वो बोल रही थी वाइन ट्राई करना, मैंने बोला नहीं भाई हमको नहीं करना है। ये देखो छोटे छोटे चीज़ें, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ये। मेरे पास ये है इनमें से एक, कौन सा था मेरे पास, पियानो था ना,
पिंकशी से लिया था, पिंकशी। सच में मुझको लग रहा है कि अगर धूप होती ना बहुत अच्छी फोटोज भी आती, बहुत अच्छा व्यू भी आता, एकदम सनी सनी डे होता, मज़ा आ जाता। अभी तो ठंड हो रखी है और यहाँ पे सोवनेर मिलते हैं। देखिए कितने क्यूट अपनी गर्दन हिला रहे हैं सब। हम आ गए हैं अमेठी हाउस वाली गली में। ये गलियाँ ना जब हम हिमाचल प्रदेश जाते थे माता रानी के, एकदम वैसी छोटी छोटी सी गलियाँ, वैसे ही चढ़ाई। यहाँ पे चढ़ के ऐसा लग रहा है कि भाई हम माता रानी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। और देखिए ये है डे व्यू, बाहर से आमे कैसा दिखता है। अभी हम अंदर जाएंगे। ये आमे एक बहुत फेमस टी हाउस है, मतलब कहीं भी आप इंटरनेट पे चौफन के बारे में लिखेंगे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए मुझको क्यूरियोसिटी थी, भाई देखते हैं कैसी चाय मिलती है, क्या है अंदर जाकर, और ऊपर से जो नज़ारा है वो भी देखने की क्यूरियोसिटी है मुझको। 100 साल पहले चौफन एक गोल्ड माइनिंग हब था जापनीज एरा के टाइम में। जापनीज एरा मतलब पीछे हिस्ट्री में, जैसे अपने इंडिया को ब्रिटिश ने रूल किया है, यहाँ पे जापान ने रूल किया है ताइवान को। क्योंकि ताइवान में आप कहीं भी जाते हैं किसी जगह पे एंटर करने के लिए, ड्यू टू कोविड हमको क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है। ये है आमे के अंदर, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना मैं क्या बताऊँ। और ये लोग बुद्धिस्ट हैं, इन्होंने ये सब सामग्री रख रखी है इधर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जैसे हम लोग पूजा करते हैं ये भी पूजा करते हैं। एक्चुअली वी आर गोइंग टू सिट डाउनस्टेयर्स, ओके या चलो। यहाँ का व्यू ना मेरे को मतलब सही है व्यू, पर यहाँ पे एटमॉस्फेयर मेरे को सही नहीं लगा, तो हम नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे हैं बैठने। अब आने वाला है यहाँ का टॉप व्यू आमे हाउस से, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। देखिए वो सामने एकदम ओशन है, वो आइलैंड है जिसको बोलते हैं कीलंग आइलैंड, राइट साइड पे। ये जो सामने सी दिख रहा है वो है ईस्ट चाइना सी। इस सी को अगर आप ऐसे ही इसी तरह लेफ्ट जाओगे तो आएगा चाइना, सीधा जाओगे तो आएगा कोरिया, साउथ कोरिया, और कोरिया के बगल में थोड़ा सा स्लाइट राइट होकर है जापान। अभी नेक्स्ट है उलोंग टी बनाने का तरीका, जो आमे टी हाउस में हमको सिखाया गया। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए ताकि आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हमने ऑर्डर किया उलोंग टी सेट, जिसके साथ हमको ताइवान के कुछ डिज़र्ट मिले, मिठाइयाँ जिसको बोलते हैं। ये प्लम है, ये मोची है ग्रीन कलर का, और वो सीवीड है। ये सब मिला और हम सीखते हैं अब चाय बनाना। ओके, दिस कप इज डिफरेंट, द लॉन्ग वन फॉर स्मेलिंग, द शॉर्ट वन फॉर ड्रिंकिंग। दिस इज फॉर स्मेलिंग, स्मेलिंग एंड दिस इज फॉर ड्रिंकिंग। This for garbage. The first, the only water. Okay, we first put water only. The warm the tea. Warm water. The next leaf for this Alishan Oolong Tea. Okay, that's Oolong Tea. Oolong Tea, yeah. It's very famous in Taiwan, right? Yes, Alishan. Yeah, Alishan, from Alishan one Mountain. One quarter of the tea pot. One quarter. The first we don't drink it. Oh, the first one we don't drink. Yeah, it's cleaning. Oh, first what? We clean it and we wash don't drink this. Leaf, we don't drink it. Okay, we just wash the tree leaves and yes. We don't drink it. Yes. And I want the copper one again.
Okay. Okay. Right now, this time you can drink. Now we it's ready to drink. 20 seconds. Oh, we need to wait for 20 seconds. Yes. For it to be ready. Okay, this is. It's with the negative open. Okay. Why do we do this? Why do we? Leave open. Oh, to make leave open. So you can do 4-5 times. Oh, we can drink this 4-5 times, and every time 10 seconds more. First time 20 seconds, next time 30 seconds, and then 40 seconds. Okay. Ah, I see. This is the, don't touch, it's hot. Okay. You can this way. Okay. Oh, this is how it's, they are pouring the tea into the tea cup. The first smell. Oh, we'll first smell this tea. Okay. Okay. It's hot like this. Hold up down. Okay. It's hot, yeah. So I have to hold it like this because it's hot. Smell the cup. It just smell like jasmine flower. If you feel cold, you can turn the cup warm the hand. Okay. The smell is good. Okay. Okay. ये टी बनाई है मैंने और देखो तैयार है. ये पहली बार मैंने ऐसे टी बनाई है. ये छोटे से टी पॉट में. मम्मी आपने बनाई है कभी पहले ऐसे? नहीं ना. ये हमारा फर्स्ट टाइम है और आपका भी फर्स्ट टाइम ही होगा ऐसे टी बनाना. देखना तो सीख लीजिए ये टी कैसे बनती है. कभी ताइवान आओगे या कहीं और जाओगे तो आप भी बना सकते हैं, आपके भी काम आएगा. ये देखो पूरा चौफन शहर यहाँ से दिख रहा है. पहाड़ी इलाका, कितना मज़ा आ रहा है. क्लाउडी भी है और ब्लू ब्लू सी भी है. Okay. Oh, you're making this. Wow, beautiful. देखिए. Oh yeah, very like बहुत डिटेल का काम है ये. Oh, देखिए ये कैसे बना रहे हैं. Beautiful. Thank you. And how? लिखा है. कितने प्यार से, कितने पेशेंस से वो बना रहा है. कि इस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है. हर आर्ट वाली चीज़ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है. और हम लोगों को, ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, इन लोगों की चीज़ें खरीदनी चाहिए, है ना. चलो मम्मी खरीदते हैं, क्योंकि जितने एफर्ट्स करते हैं उनके हिसाब से इन लोगों को, इन लोगों की इनकम होती नहीं है. और हम ज़्यादातर भागते हैं ब्रांडेड चीज़ों के पीछे जो ऑलरेडी मशीन से बनाई जाती हैं. सब कुछ आर्ट वगैरह, डेकोरेशन, स्टाइलिंग वगैरह सब मशीन से की जाती है. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन लोगों को सपोर्ट करना. हम कुछ लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या लिया है. तब तक आप वीडियो के नीचे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए आपको क्या पसंद आया यहाँ से. तब तक हम लेते हैं और बाद में आपको दिखाएंगे क्या लिया है हमने. कैट जैसा आप देख सकते हैं वालों. और मैंने ये भी लिया है, ये डक वाला फ्लूट कुछ लोगों को देने के लिए. हम ओल्ड स्ट्रीट से निकलकर राइट साइड पे थोड़ा ऊपर चढ़ के है बस स्टेशन, जहाँ से हम बस लेंगे ताइफे के लिए. और वो सामने इसके एकदम है खिलुंग माउंटेन. ये है खिलुंग माउंटेन. खिलुंग माउंटेन साथ में वही व्यू. और ये नीचे है टेंपल. मुझको याद है 3 साल पहले हमने ये पहाड़ को हाइक किया था, मैं और मेरे कुछ दोस्त आए थे. एकदम ऊपर से ना बहुत अच्छा व्यू दिखता है, एकदम ऊपर वो पहाड़ पे चढ़ के. 2-3 घंटे लगते हैं इसको पूरा ऊपर चढ़ने के लिए. और फिर आ गया कोविड और हम फंस गए ताइवान में और घूम रहे हैं चौफन में. चलिए वेटिंग फॉर द बस नाउ. ये सब लोग मेरे आगे खड़े हैं. यहाँ पे बस ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत कन्वीनियंट है. आराम से आपको बस मिल जाती है, कुछ ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है और कुछ धक्कम धक्का भी नहीं होती है आराम से. और देखिए हर जगह बैठने के लिए सीट्स अवेलेबल हैं, तो फैसिलिटीज़ बहुत हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत कन्वीनियंट है, कुछ दिक्कत नहीं होती है. मम्मी आराम से बैठे हैं. इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में.
तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।